Good morning and wish you all a very happy new year. तो आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोग तोश गए थे, वहाँ पर हमने अपनी जो बाइक है वो गांव से बाहर खड़ी करी थी और वैसे तो सब कुछ सेफ लग रहा था क्योंकि बहुत सारी कार्स बहुत सारी बाइक्स वहाँ पर खड़ी हुई थी। लेकिन जब नेक्स्ट डे अपनी बाइक के पास पहुँचा तो वहाँ पे उस किसी ने आगे का एक तार काट दिया था बीच से, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उस तार को हमें रिप्लेस कराना है, उस तार को हमें चेंज कराना है क्योंकि पता नहीं कि वो तार किस चीज़ के लिए है, क्या उससे इफ़ेक्ट आएगा हमारी गाड़ी पर। तो चलते हैं, अपनी बाइक को देखते हैं और ले चलते हैं उसे रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। तो ये रही हमारी हिमालयन, बाकी सब तो उसमें ठीक है, पर ये जो तार है जो राइट साइड से निकल रहा है और ये किसी ने काट दिया, यहाँ से बिल्कुल साफ काटा है किसी ने, कैची से या ब्लेड से किसी, और ये दो तार अलग अलग हो गए। तो चलते हैं और पता करते हैं सर्विस सेंटर पे कि भाई ये क्या बला है और इससे क्या नुकसान हो रहा है हमारी बाइक को और ये कितने में चेंज होगा। तो चढ़ गई हमारी गाड़ी और ये तार था, ये स्पीडोमीटर का तार था जो कि कट गया, ये चेंज होगा, 1000 रुपये का तार नुकसान हो गया। तो ये चमक गई हमारी गाड़ी भाई, और जो तार था स्पीडोमीटर का तो वो भी अब ठीक से लग गया है पूरा, तो कहीं से भी अब टूटा हुआ नहीं है। तो भले उस तार का काम था या नहीं था, पर वो तार हमारी गाड़ी में लगा हुआ था और वो तार स्पीडोमीटर का था, तो कोई रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है। जो तार लगा के कंपनी ने दिया था उस तार को लगा रहने देते हैं और अब हम इस गाड़ी से आगे की सैर करेंगे। तो नए साल के पहले दिन पर अपनी गाड़ी का पहला काम करा करके वापस आ गए हैं। होपफुली अब ये गाड़ी ठीक चलेगी। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एक स्पीडोमीटर का सेंसर भी है और एक स्पीडोमीटर का वायर भी है। तो जो मैकेनिक ने बोला कि अगर मैं ये वायर ना भी लगाऊं तो भी काम चलेगा, बट फिर वो काम चलने वाली बात होती, जो गाड़ी जिस तरीके से कंपनी से आई थी वो वैसा नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको लगाना ही ठीक है। का दिन यहीं तक करते हैं, इस वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।